हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज के सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे TDEP का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम बात करेंगे जो कंपैरिजन बिटवीन AC एंड DC ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, यानी AC ट्रांसमिशन सिस्टम और DC ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या डिफरेंट है, क्या संबंध है, इसको हम देखेंगे। क्या तुलना करना है दोनों में, क्या तुलनात्मक रूप हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और स्टडी मेगा पॉइंट का ऑफिशियल प्ले स्टोर पर आप लोगों का ये जो चैनल है इसका आप लोगों मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग जाके डिफरेंट टाइप के बैच को परचेस कर सकते हैं। आप लोगों का अभी चल रहा है एक, उसको आप लोग ज़रूर परचेस कर लीजिए। इसका जो प्राइस होगी बहुत ही मिनिमल प्राइस है भाई, 199 उसकी फ़ीस है। इसको आप लोग पे करके आप लोग अपने फोर्थ सेमेस्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को एक सब्जेक्ट फ्री दिया जाएगा जिसमें आप लोगों को 3-4 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपका फ्री रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं AC और DC ट्रांसमिशन में अंतर, यानी कंपेरिजन बिटवीन AC एंड DC ट्रांसमिशन सिस्टम। AC और DC ट्रांसमिशन सिस्टम में हम देखेंगे यहाँ पे कंपैरिजन क्या करना है, तुलना क्या है, इनको देखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को एग्जाम में कई बार आया हुआ है तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आज के सेशन में हम केवल DC तथा AC जो ट्रांसमिशन सिस्टम में जो अंतर है इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए यहाँ एक तरफ आप लोग लिख लीजिएगा DC ट्रांसमिशन, दूसरी तरफ लिख लीजिएगा AC ट्रांसमिशन सिस्टम लिख सकते हैं या DC ट्रांसमिशन सिस्टम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहली पॉइंट क्या हो सकती है, मैंने आप लोगों को बताया है कि DC ट्रांसमिशन सिस्टम में केवल एक या दो कंडक्टर की आवश्यकता होती है, जबकि हम बात कर सकते हैं AC ट्रांसमिशन सिस्टम में मैक्सिमम कितनी, मिनिमम 3 वायर की आवश्यकता होती है, मैक्सिमम हमारे 4 वायर की आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट आप लोगों का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं आप लोग कि जो हमारा DC में होता है, DC में क्या होता है, स्किन इफेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण कंडक्टर का जो कम्प्लेक्ट एरिया होता है वो पूरा यूज किया जाता है। जबकि AC में हम बात करते हैं तो AC में स्किन इफेक्ट होता है जिसके कारण कंडक्टर के चारों ओर कंप्लीट एरिया जो होता है यूज नहीं हो पाता है, उसके चारों ओर का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। ठीक है, किसमें, AC में। तो जिससे क्या होता है, चारों ओर की एरिया अगर हमारी आयनाइज हो जाएगी तो उससे क्या होता है, लॉसेस होने लगता है। लॉसेस होगा तो किस प्रकार की लॉसेस को उत्पन्न करता है, कोरोना लॉसेस को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। DC में बात की जाएगी तो DC में हमारा कोरोना लॉसेस नहीं होता है, जबकि हमारा AC में क्या होता है, कोरोना लॉसेस होता है, जिससे अगर कोरोना लॉस होगा तो हमारा क्या होगा, पावर लॉसेस में, पावर लॉस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, पावर लॉस पे हमारे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, अगर DC ट्रांसमिशन में बात करेंगे तो DC ट्रांसमिशन में इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सर्ज की कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, वही हमारा अगर AC ट्रांसमिशन में होता क्या होता है कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और सर्ज की आवश्यकता, मतलब आवश्यकता बोले इसकी गंभीर समस्या होती है। ठीक है, अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे, फिफ्थ पॉइंट की तो जो हमारा DC होता है, DC ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, इसमें पावर लॉस केवल बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत कम समय तक के लिए होता है। कहने की बात यह है कि जब तक हमारा DC ट्रांसमिशन सिस्टम में जब तक लोड रहेगा तब तक हमारा क्या होगा, पावर लॉसेस होगा। लेकिन हमारा AC में बात करेंगे, AC ट्रांसमिशन सिस्टम में बात करेंगे तो चार्जिंग होने के कारण क्या होता है, लॉसेस होती रहती हैं। ठीक है, चार्जिंग करंट होने के कारण क्या होता है, लॉसेस होती रहती है। अगर सिक्स्थ पॉइंट की बात करेंगे तो हमारे DC ट्रांसमिशन सिस्टम में जो लाइन बिछाते हैं केबलों पर क्या होता है, वोल्टता प्रतिबल का मान कम होता है और परावैद्युत हानियाँ क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। ठीक है, वही बात करेंगे AC में क्या होता है, भूमिगत AC ट्रांसमिशन लाइन बिछाते समय क्या होता है, केबलों पर वोल्टता प्रतिबल का मान क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण परावैद्युत हानियाँ जो होती हैं अधिक होती हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए पहले पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, DC सिस्टम में क्या होता है, DC ट्रांसमिशन सिस्टम में केवल एक या दो चालकों की आवश्यकता होती है, चालक मतलब कंडक्टर की बात की जा रही है। ठीक है, अगर AC की बात करेंगे तो इसमें मिनिमम 3 चालकों की आवश्यकता होती है, मैक्सिमम की बात की जाएगी तो 4, एक न्यूट्रल वायर होता है या जिसे अर्थ वायर भी बोल सकते हो आप। इसमें क्या होता है, इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, कंडक्टर का कंप्लीट एरिया का प्रयोग होता है, यानी यूज होता है। जबकि AC ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है कि स्किन इफेक्ट का प्रभाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, करेंट कंडक्टर के कंप्लीट एरिया यूज नहीं होती, यानी करेंट कंडक्टर की जो कंप्लीट एरिया होती है वो यूज नहीं हो पाती है। ठीक है,
अभी जब आगे आप लोग चलेंगे आगे आगे जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा आप लोगों को सारी चीज़ें पीछे की क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि आप लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे ही आप लोग पीछे की चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगे। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में कोरोना का प्रभाव नहीं होता, यानी कोरोना लॉसेस नहीं होता है, जबकि एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में जो कोरोना का प्रभाव होता है अधिक होता है, जिसके कारण पावर लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी आप लोग ये भी जान पाएंगे कि डीसी का क्यों नहीं ट्रांसमिशन किया जाता है, एसी का ट्रांसमिशन क्यों नहीं, एसी का ट्रांसमिशन ही इसे के ट्रांसमिशन ही क्यों प्रीफर किया जाता है, अभी आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलेंगे, डीसी ट्रांसमिशन में इंडक्टेंस कैपेसिटेंस तथा सर्ज की कोई समस्या नहीं होती है। अगर एसी में देखेंगे तो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और सर्ज का कोई मतलब इफेक्ट ही नहीं होता है। अगर सर्ज कैसे आता है, सर्ज मैं भी बताऊंगा सर्ज कैसे होता है। दो पोल्स के बीच में अगर दो कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर यहाँ से ऐसे ले जाया जाए, जैसे एक कंडक्टर यहाँ हो गया, एक हमारा पोल यहाँ हो गया, एक पोल ये हो गया, दो पोल के बीच में अगर हम कंडक्टर को बिछाते हैं तो क्या उसमें दोनों के बीच में झोल नहीं उत्पन्न होता है, जो उसी को हम कहते हैं सैग। ठीक है, तो डीसी क्या होता है, डीसी को हम अंडरग्राउंड कर लेते हैं, इसके कारण क्या होता है, इसमें सर्ज की कोई आवश्यकता या कोई समस्या नहीं होती। इस देखेंगे तो डीसी एसी में हमारा क्या होता है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस तथा सर्ज की गंभीर समस्या होती है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखते चलिए। पांचवें पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें पावर लॉस केवल उतने समय तक होता है जितने समय तक हमारा लोड लगा होता है, यानी जब तक हमारा लोड लगा रहेगा डीसी में तब तक हमारा पावर लॉस होता रहेगा, अगर लोड को हटा दिए तो हमारा पावर लॉस क्या होगा, बंद हो जाएगा। अगर यही बात की जाती है एसी में तो इसमें क्या होता है, चार्जिंग करंट होने के कारण क्या होता है, लॉसेस होती रहती है। ठीक है, आगे चलें, यहाँ पे देखेंगे भूमिगत डीसी ट्रांसमिशन लाइन बिछाते समय केबलों पर वोल्ट तथा प्रतिबल यानी स्ट्रेस का मान कम होता है और परावैद्युत लॉसेस जो होता है कम होता है। अगर स्ट्रेस का मास डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में अगर देखेंगे वोल्टेज प्रतिबल का मान कम हो जाएगा तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी डाइलेक्ट्रिक लॉस हो रही है ये भी कम हो जाएगी। वही बात की जाएगी तो भूमिगत एसी ट्रांसमिशन लाइन बिछाते समय क्या होता है, केबलों पर वोल्टता प्रतिबल का मान अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, सेवन्थ पॉइंट की बात करेंगे तो डीसी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन कम होता है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप केवल रेजिस्टेंस के कारण होता है। यहाँ पे देखेंगे तो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में आप लोग देख रहे हैं तो किसके कारण वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, केवल रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है। लेकिन अभी एसी में देखेंगे एसी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन अधिक होता है, क्योंकि एसी में वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों के कारण होता है। अगर वोल्टेज यहाँ पे देखेंगे जो ड्रॉप हो रहा है केवल एक कारण, यहाँ पे दो के कारण हो रहा है, इसके कारण क्या हो जा रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन अधिक हो जा रहा है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि यह कई बार आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है और याद रखेंगे। भारत में ट्रांसमिशन वोल्टेज जो होता है 800 केवी, 750 केवी, 400 केवी, 220 केवी और 132 केवी और 800 केवी सब स्टेशन उन्नाव जो इतने पे होता है, लेकिन 800 केवी का जो सब स्टेशन है उन्नाव कानपुर के पास स्थित है। इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल को अगर आप लोगों ने प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। आप लोगों को इसका जो लिंक है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और जो कोर्सेज चल रहे हैं बहुत ही सिंपल वे में चल रहे हैं उनको आप लोग परचेस कर पाएंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।